किसी ने क्या खूब कहा है, सहारा अगर तेरा हो तो हर हालात से गुजर जाऊंगा, हम सफर अगर तू हो तो हर हालात में निखर जाऊंगा। जी हाँ नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केवी राशिफल में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों का 7 जून दिन सोमवार कैसा रहने वाला है, आज के दिन किन किन परिस्थितियों का निर्माण होगा एवं उन्हें आने वाले समय में किन किन चीज़ों से सावधान रहना होगा और तुला राशि वालों को आने वाले समय में वो कौन कौन सी बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ मिलने वाली है। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे तुला राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आज का संपूर्ण राशिफल बताएंगे। अगर आपकी भी तुला राशि है तो वीडियो को पूरा देखना। मित्रों आज सोमवार है, हम महादेव का दिन है, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना, महादेव आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। और मित्रों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट करना ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। सबसे पहले आज आपको बताएंगे आज के चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। यहाँ दोस्तों आचार्य चाणक्य कहते हैं, हमेशा खुश रहने के लिए मनुष्य को करना होगा ये काम, वरना जिंदगी भर बहाते रह जाएंगे। आसो जी हाँ दोस्तों, आचार्य चाणक्य की नीतियाँ और विचार भले ही आपको थोड़े कठोर लगे, लेकिन मित्रों ये कठोरता ही जीवन की सच्चाई है। हम लोग भागदौड़ भरी जिंदगी में इन विचारों को भले ही नज़रअंदाज कर दें, लेकिन ये वचन जीवन की हर कसौटी पर आपकी मदद करेंगे। आचार्य चाणक्य के इन्हीं विचारों में से आज हम एक और विचार का विश्लेषण करेंगे। आज का ये विचार इस पर आधारित है कि जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं, हर बात दिल पर लगाओगे तो रोते रह जाओगे, इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा बनना सीखो। आचार्य चाणक्य के इस कथन का अर्थ है कि किसी भी बात को दिल पर नहीं लेना चाहिए, ऐसा करने वाला व्यक्ति जीवन भर दुख का भोगी रहेगा। मनुष्य को जो जैसा होता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। असल जिंदगी में मनुष्य का सामना कई तरह के लोगों से होता है, ऐसे में जरूरी नहीं है कि सामने वाला आपके सामान्य व्यवहार करे। कई बार लोग आपके मुताबिक या फिर आप जैसे नेचर के नहीं होते। तो दोस्तों एक बात और समझ ले, आप पूरे संपूर्ण ज़िंदगी में आपको अनेक व्यक्ति मिलेंगे जो अनेक रकम के होंगे, उनके साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता क्योंकि उनका माइंडसेट कुछ अलग होता है। उनका ना केवल स्वभाव अलग होता है बल्कि उनकी बातचीत करने का तरीका भी अलग होता है। ऐसे में हर बात को दिल पर लोग नहीं लगाना चाहिए। हालांकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनका मन बहुत कोमल होता है, वह हर छोटी से छोटी बात को दिल पर लगा लेते हैं। इससे ना केवल उन्हें तकलीफ होती है, कई बार वह दूसरों के सामने रो भी जाते हैं। उन्हें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। ऐसे में आचार्य चाणक्य का कहना है कि हर बात दिल पर लगाओगे तो रोते रह जाओगे, इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा बनना सीखो। तो दोस्तों ये था आज का चाणक्य का चाणक्य नीति ज्ञान। अगर आपको आज का चाणक्य नीति ज्ञान पसंद आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो हमेशा की तरह एक लाइक अवश्य कर लेना। अब जान लेते हैं दोस्तों आज का पंचांग क्या कहता है। आज 7 जून दिन सोमवार है, तिथि द्वादशी है, नक्षत्र वर्णी है, पक्ष कृष्ण पक्ष रहेगा, माह ज्येष्ठ रहेगा। दोस्तों आज सूर्योदय होगा 5:07 पर और सूर्यास्त होगा 6:47 पर। आज का शुभ समय है 11:30 से 12:24 पर और आज का शुभ समय है 12:24 से 1:18 तक। तुला राशि वालों का आज का शुभ अंक 9 रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों आज की तुला राशि फल के बारे में कैसा रहेगा तुला राशि वालों का दिन, आइए जानते हैं। तुला राशि वालों, आपके किसी करीबी के जीवन में कुछ समस्याएं चल रही हैं और आज आपको उनकी बात सहानुभूति से सुननी पड़ेगी। ऐसा हो सकता है कि आप इस आदमी की बातों से निराश और बेचैन सा अनुभव करें, लेकिन आपको बिना किसी आलोचना के इस आदमी की सहायता करनी चाहिए। इससे आपके जीवन की बहुत महत्वपूर्ण दोस्ती या साझेदारी भी प्रभावित होगी। आज सेहत और ऊर्जा दोनों ही आपके मजबूत पहलू हैं, कोई काम असंभव नहीं लगता और आप सब काम निश्चित समय में बिना कोई परेशानी के पूरा कर लेंगे। वास्तव में आप इतना ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं कि पिछले लंबे समय से कोई मेहनत का काम ना करने के बावजूद आप दौड़ या जिम के लिए जा सकते हैं। आपकी शारीरिक फिटनेस जीवन के अन्य सभी क्षेत्रों में भी दिखाई देगी क्योंकि आप सकारात्मक ऊर्जा और विचारों से भरे हुए हैं। तुला राशि वालों, आज का दिन संबंध सुधारने और पुराने गलतफहमियों को स्पष्ट रूप से दूर करने के लिए एकदम उचित है। आज आप एक ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो आपसे दूर हो गया था। इस बात की संभावना है कि प्यार की पुरानी दीवानगी आपके मन में दोबारा जग उठे। अतीत और वर्तमान के रिश्तों का संतुलन साधना आज के दिन का सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य रहेगा। तुला राशि वालों, आज के दिन विद्यार्थियों, युवा, बेरोजगारों और स्वप्न नियोजित व्यवसायियों के लिए काफ़ी करियर अवसर पाएंगे। आप एक ऐसी परियोजना के भागीदार बन सकते हैं जिससे आपके करियर की दिशा परिवर्तित हो सकती है और काफ़ी समय से आपको इसकी तलाश भी थी। आपको इस अवसर का उपयोग काफ़ी समझ के साथ करना है क्योंकि ये अवसर जीवन भर में यदा कदा ही मिलता है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। आपके पूरे करियर की दिशा इस अवसर से परिवर्तित हो सकती है। ये परियोजना विदेश से संबंधित भी हो सकती है।
आज तुला राशि वालों का राशि स्वामी शुक्र रहेगा। आज तुला राशि वालों का शुभ रंग सफेद रहेगा। तुला राशि वालों आज आपको व्यवसाय में लाभ होगा। कार्यस्थल पर भी खुशखबरी मिलेगी। आप रिश्तेदारों से संबंध को मजबूत बनाने का प्रयास कर सकते हैं। आज पुराने मित्रों से मुलाकात होगी। आज आपका दिन काफ़ी शानदार रहने वाला है। धन लाभ की अवस्था दिखाई दे रही है। आपकी कुशलता की वजह से आप में बढ़ोतरी होगी, आपके कारोबार में भी बढ़ोतरी होगी और युवाओं को नए अवसर मिल सकते हैं। आज खर्च ज़्यादा होने की संभावना है। कामकाज अच्छा चलेगा। ईश्वर की आराधना में भी काफ़ी मन लगेगा। बुजुर्गों का सेहत का ध्यान रखें। जीवन साथी के साथ किसी पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। अनजान लोगों से दूरी बनाकर रखना ही आज बेहतर रहेगा। शासकीय कार्य आगे बढ़ेंगे और पैतृक मामले सुलझ सकते हैं। आज राशि धातु है आपका लोहा और चांदी। तो दोस्तों ये था आज का तुला राशि का राशिफल। रोज के तुला राशिफल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सिलेक्ट कर लें ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मित्रों आज सोमवार है, महादेव का दिन है। महादेव आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। आप कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख देना और एक लाइक जरूर कर देना। आपका दिन मंगलमय रहेगा मित्रों। राधे कृष्णा।